दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर असगर अली आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत अहम वीडियो लेके जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। दोस्तों, ओबेसिटी के बारे में बात करूँगा आपसे। ओबेसिटी मोटापा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उसकी काजेज बयान करूंगा, उसके अस्बाब बयान करूंगा और उसका होम्योपैथिक इलाज बयान करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओबेसिटी मोटापा क्या है? दोस्तों, हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार का बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। मोटापे से क्या होता है? दोस्तों, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हिप्स पे फालतू चर्बी आना शुरू हो जाती है। पहले तो ये ज़्यादा उम्र वाले लोगों में पाया जाता है, आजकल ये छोटे बच्चों में भी पाया जाता है और नौजवान लोगों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका BMI 30 से नीचे है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तो फिर आपको मेडिसिन की भी और जो मैं परहेज बताऊंगा उसकी भी बड़ी ज़रूरत है। तो दोस्तों, मोटापे से क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं? इंसान का सांस फूलना शुरू हो जाता है, इंसान और बहुत मरीज़ बहुत सुस्त हो जाता है, उसका काम का करने को जी नहीं चाहता है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, उसको डायबिटीज़ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। तो और जॉइंट पेन की भी अक्सर का शिकायत हो जाती है। अब मैं दोस्तों इसकी काजेज़ की बात करूँगा कि काजेस क्या है इसके। दोस्तों, इसके असबाब में सबसे बड़ा सबब जो है वो फिज़िकली एक्टिविटी का ना होना, वर्जिश ना करना, बैठे रहना, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम मोटापे का प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी चीज़ आ गई हमारी डाइट। तो डाइट का ज़्यादा कैलोरी डाइट लेना, फास्ट फूड लेना और बैठे रहना, टीवी के सामने बैठे रहना, कामकाज ना करना और सारी एक्टिविटी जितनी भी आपकी हैं उसमें सुस्त रहना मोटापे का बाइस बनता है। और तीसरी चीज़ इसकी दोस्तों के बाद का थायराइड का प्रॉब्लम हो या कोई भी हार्मोन्स का मसला हो, औरतों में PCOS का मसला हो, उसमें भी ये मोटापा हो जाता है। दोस्तों, ये मोटापा जेनेटिकली भी हो सकता है और आपकी बद परहेजिंग की वजह से भी हो सकता है। तो अब मैं इसके इलाज की बात करूँगा। इलाज में सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी आदत बदलें, ज़्यादा कैलोरी वाली डाइट ना लें और फल सब्जियों पे ज़्यादा इन्हसार करें, चिकनाइयों से परहेज करें, ज़्यादा प्रोटीन वाली गिजाएं ना लें और डेली एक्सरसाइज करें। आधा घंटे से एक घंटे तक आप डेली एक्सरसाइज करें। अगर ये काम आप करेंगे, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो फिर आपको बहुत हद तक फाका मिलेगा। तो दोस्तों, चले दोस्तों इसकी मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन में इसकी सबसे पहली मेडिसिन है फ्यूकस वेस जो है ये मदर टेंचर में लेनी है। ये आपने 10 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में डाल के खाना खाने से पहले लेनी है। दूसरी मेडिसिन भी मदर टेंचर में है, वो आपने क्लोट्रिप्स लेनी है। उसके आपने 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में डाल के खाना खाने से पहले ही ये लेनी है।
ये दोनों मदर टिंचर आप एक ही पानी में डाल सकते हैं। एक आधा ग्लास पानी का लेना है, नीम गर्म हो या ताज़ा पानी हो, ठंडा पानी ना हो, उसमें आपने 10-10 कतरे दोनों के डाल के 3 टाइम लेने हैं। तीसरी मेडिसिन दोस्तों इसकी फाइटोलाका बेरी है, बहुत मशहूर मेडिसिन है ये, आपने 30 में लेनी है। इसके आपने 5 कतरे सुबह दोपहर शाम एक बूंद पानी में लेने हैं। जो आपने वो मदर टेंचर वाला पानी है उसमें नहीं डालने, ये लहदा से लेने। आप ये डायरेक्टली 2 कतरे जुबान पे भी ले सकते हैं। चौथी मेडिसिन इसकी दोस्तों क्लिकेरिया कार्ब है, ये आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। और ये आप इसके आपने डेली सुबह 2 कतरे जुबान पे लेने हैं या एक बूंद पानी में डाल के लेने हैं, ये दिन में सिर्फ एक दफ़ा लेने हैं। अगर आपको हार्मोन से रिलेटेड कोई, थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपने एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी की, थायरोडियम 200, ये आपने 2 कतरे लेने हैं डेली। रात को सोते वक्त आपने 2 कतरे जुबान पे लेने हैं अगर आपको हार्मोन्स के मतलब कोई प्रॉब्लम है। अगर नहीं तो फिर आपने ये दूसरी जो 4 मेडिसिन मैंने बताई हैं ये रेगुलर इस्तेमाल करनी है, और आपने जो मैंने प्रेस बताए हैं वो प्रेस करने हैं। तो इंशाल्लाह 1 महीने में आपको काफ़ी फाका नज़र आएगा। और दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। अस्सलाम वालेकुम।